कैप्टन डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान की ढिडवाना यूनिट की ओर से सालासर रोड पर प्रस्तावित भवन के शिलान्यास और प्रतिभा सम्मान समारोह में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने शिरकत की। इस मौके पर हनुमान बेनीवाल ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि जब भी दलित समाज पर राजस्थान के किसी भी हिस्से में कोई अत्याचार हुआ तो वहां हनुमान बेनीवाल ने दलितों की आवाज बनने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा दलितों और किसानों के साथ हूँ। बेनीवाल ने भाजपा की तुलना 12 दुल्हे और एक लुटेरी दुल्हन से करते हुए कहा कि ये बिना दुल्हे की बारात है और विपक्ष की किसी ने भूमिका निभाई नहीं, वो अगर किसी ने निभाई है तो वो है आरएलपी। विधायकों को जो खुली छूट दे दी भ्रष्टाचार करने के लिए, गहलोत ने सरकार बचाने के लिए, और पायलट सर सीएम बनना चाहते हैं और बीजेपी कुछ भी करना नहीं चाहती। 12 दुल्हे और एक लुटेरी दुल्हन, ये इनका बारात है, तो बिना दूल्हे की बारात बीजेपी की है। अगर विपक्ष की भूमिका कोई राजस्थान में निभा रहा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में विपक्ष की भूमिका निभा रही है, कांग्रेस के खिलाफ है। सरदार